बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पेपर हैकर में। मैं सूरज राज आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो भी छात्र BSc सेकेंड ईयर में है, और मैं यूपी की आल यूनिवर्सिटी की बात करूंगा, BSc सेकेंड ईयर में जो भी स्टूडेंट है वो देखो ये केमिस्ट्री का थर्ड पेपर है, और कभी कभी किसी किसी यूनिवर्सिटी में ये सेकेंड पेपर भी रखा गया है, लेकिन इस पेपर का नाम है फिजिकल केमिस्ट्री। क्या नाम है बेटा? क्या नाम है? फिजिकल केमिस्ट्री। तो आप ये देखिए आपके यूनिवर्सिटी में फिजिकल केमिस्ट्री को कहाँ रखा गया है, उससे मतलब नहीं है ये सेकंड पेपर या थर्ड पेपर, मैं फिजिकल केमिस्ट्री इसका नाम दे रहा हूँ। अब यहाँ ध्यान से देखना मेरी बात को, जो फिजिकल केमिस्ट्री है तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है? तो यूपी के आल यूनिवर्सिटी के छात्र समझ ले, 2022 में बस यही पढ़ के जाना है, बाकी कुछ और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब किसी किसी देखो मैं आपको बता दूं, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि इसमें से कुछ क्वेश्चन आपके क्वेश्चन बैंक या सीरीज में ना मिले, कुछ क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, दो तीन क्वेश्चन ना मिले तो आप क्या करने वाले हो? तो वहां आप सिंपल तरीके से करोगे, समझ रहे हैं ना? तो ऐसा भी हो सकता है कि एक दो क्वेश्चन या तीन चार क्वेश्चन इसमें से ना मिले, जो ना मिले उनको नहीं पढ़ना है, समझ रहे हो? आपके सीरीज में नहीं मिल रहा है, आपके नोट्स बना हुआ है जो आपके सर ने पढ़ाया है तो उसमें नहीं मिल रहा है, वो क्वेश्चन को नहीं देखना है। उसके जगह पे जो ना मिला है, जो हमने बताए थे एक दो क्वेश्चन नहीं मिले हैं, तो वहां से आप अपने हिसाब से एक दो क्वेश्चन पढ़ लेना, जो आपको लगता है इंपोर्टेंट है उसको पढ़ लेना है, समझ रहे हैं मेरी बात को? और फिर आप करने वाले हो 2022 में दोबारा से फिर टॉपर, क्योंकि आपको पता है 2021 में जो छात्र ने पेपर दिया था, आपको सबको पता है, मैंने प्रूफ करके दिखाता हूँ कि पेपर में जो बताता हूँ वही पेपर आते हैं, आप इस बात को याद रख लीजिए। अभी तक हमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर देना, और हाँ एक न्यू चैनल हमने खोला है खिलाड़ी भैया XYZ से, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। ओके, न्यू चैनल है खिलाड़ी भैया XYZ, उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है सभी लोगों को। अब यहां ध्यान से देखो, फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे पहले हेस का नियम इज मोस्ट इंपोर्टेंट, देखो ये टिक लगाओ अपने बुक नोट्स गैस पेपर जो भी हैस का नियम आप याद करना है, हेस का नियम इज मोस्ट इंपोर्टेंट। उसके बाद में आप देखेंगे ये वाला, देखो क्लोसियस कैलीपीरोल समीकरण के बारे में, इसको आप याद करके जाएंगे, और एक बहुत ज्यादा तो इंपोर्टेंट है, आपसे पूछता है सिद्ध करने के लिए कि सीपी माइनस सीबी बराबर आर, इसको आप सिद्ध कर दो, ये कहता है सिद्ध करने के लिए, कहता है भैया सीपी माइनस सीबी बराबर आर सिद्ध कर दो, तो ये क्वेश्चन सिद्ध करने के लिए बोलता है, आप याद करके जाएगा। उसके बाद में आता है देखो ये आप देख रहे हैं ना, कार्नोट चक्र, हो सके तो मिलेगा तो पढ़ लेना, ना मिले तो मत पढ़ना, ठीक है? ये वाला आपके लिए बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आप पढ़ के जाइए, रट के जाना इन क्वेश्चनों को, क्योंकि 2022 में 85% प्लस लेके आना है, आपको टॉपर बनना है तो क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा। जूल थॉमसन गुणांक इज मोस्ट इंपोर्टेंट फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत, ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, ये है हमारा जो नरसट थे उनका वितरण नियम, वितरण नियम इज मोस्ट इंपोर्टेंट है नरसट का, वितरण नियम के बारे में ये क्वेश्चन आप देख के जाएंगे। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे टिक लगाने वाले हैं, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, आदर्श गैस के रुद्धोष्म और उत्क्रमणीय प्रसार के बारे में ये आप पढ़ेंगे। ये जो आप देख रहे हैं ना कोल रॉस का नियम, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये पेपर में पूछा जाता है, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सही है? इस क्वेश्चन को आप पढ़ के जाइए। ये बोला गया है अभी कह सकते हैं अभिगमनांक ज्ञात करने की विधि, जो भी अब कौन सी विधि से देखना है अभिगमनांक ज्ञात करना, मतलब कि जिसे कहते हैं ट्रांसपोर्ट नंबर, ट्रांसपोर्ट नंबर इज मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट, ट्रांसपोर्ट नंबर ज्ञात करने के लिए जो हिटार्फ विधि होती है, हिटार्फ विधि से आपको ट्रांसपोर्ट नंबर ज्ञात करने के लिए बोलता है, आप इसको पढ़ लेना बहुत ज्यादा है, और जो अभी हाल ही में पेपर चल रहे हैं ना सब में आ रहे हैं, आप इनको रट के जाना है, समझ रहे हैं? उसके बाद में आता है तुल की चालकता किसे कहते हैं, विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं, ये छोटी छोटी परिभाषाएं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में बनती है, पढ़ लेना इनको यार, पढ़ने से कुछ नहीं, देखो बाहर कुछ देखो याद रखना, आप थोड़ा ज्यादा नॉलेज हो जाएगी तो कुछ बाहर से कुछ नहीं जाने वाला, ठीक है? अब उसके बाद में आप क्या करने वाले हो, ध्यान से देखिए, ये हमारा इतना क्लियर हो गया, यहां देखेंगे हेनरी के नियम की सीमाएं, ठीक है? अब यहां देखिए हेनरी की नियम की, देखो हेनरी का ने नियम क्या दिया था, सबसे बड़ी बात है उस नियम के अंतर्गत लिमिट रखी गई थी कि भाई इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता, तो उस लिमिटेशन को उनकी सीमाओं को आपको देखना है, याद करके जाना। विद्युत अपघटनीय सेल, आपको ग्लेबिन सेल वगैरह देखने को मिलेंगे यहां, जैसे कि आप इंटर में पढ़ते चले आओ वही सब सिस्टम दे रखा है, और यहां दे रखा है द्रव अनुपातिक क्रिया का नियम, देखिए द्रव अनुपातिक क्रिया का नियम क्या होता है, ये जो आप देख रहे हैं ना जो है प्रस्था कह सकते हैं प्रवस्था नियम, प्रवस्था नियम किसके पास, सीसा रंजक के द्वारा प्रवस्था नियम देख रहा है, प्रवस्था नियम इज मोस्ट इंपोर्टेंट है,
प्रवस्था नियम इज मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका पेपर में, छपरा ही पेपर देख लेना, एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यहाँ देखो वो गया ग्लेविन सेल वगैरह, ये सेल जो आप देख रहे हैं ना, ये सेल विद्युत अपघटनी सेल, ग्लेविन सेल, ये शॉर्ट में क्वेश्चन बनते हैं, शॉर्ट में ये लगा लेना टिक। जो जो क्वेश्चन मिल रहा है उसको अभी लगाइए, जो नहीं मिल रहा है उसको छोड़ो, समझ रहे हैं, जो नहीं मिल रहा है उसको छोड़ दो, जो मिल रहा है उसको टिक लगा लो, और जो नहीं मिला एक दो क्वेश्चन अपने हिसाब से जो आपका दिल करता है इंपोर्टेंट क्वेश्चन वही पढ़ लेना, समझ लेना कि 85% से प्लस आपको मिलने वाले। यहां देखो मानक इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं, मानक इलेक्ट्रोड्स मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, मानक इलेक्ट्रोड्स वाला, ये अवस्था नियम सबसे इंपोर्टेंट है, इतना इंपोर्टेंट नहीं देना हो लेकिन ये शॉर्ट में बनते हैं इसलिए बता रहा हूं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसको देखिए नर्सेड के जो बिलियन दाब सिद्धांत के बारे में इसको पढ़ लेना है, और जो अति वोल्टता का सिद्धांत आपने देखा है, अति वोल्टता, ठीक है, ओवर वोल्टेज जिसे बोलते हैं, अति वोल्टता का सिद्धांत बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, इसको पढ़ लेना एक बार, पढ़ने से कुछ नहीं आता, ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है ये वाला, मोस्ट पे लगा देना इसको, मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट। चैनल को बेटा वीडियो को लाइक कर दो फटाफट पहले। तो यहां देखो यहां बोला गया है ऊष्मीय गतिकी का प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम, तीनों नियम याद कर लेना, ऊष्मीय गतिकी के प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, तीनों नियम को पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद में ये पढ़ गया, ये देखो किरचॉफ की समीकरण, तीनों समीकरण को याद, दो समीकरण थी, दोनों समीकरण को याद कर लेना, ठीक है। उसके बाद में ये वाला क्वेश्चन देखो, ये कौन सा है, विस्मर्थ ग्रंथीय तंत्र, इसको छोड़ दीजिए आप, इसको छोड़ दीजिए। यहां देखिए उत्क्रमणीय प्रक्रम क्या होता है, इसको आप पढ़ के जाना है, मोस्ट इंपोर्टेंट, विशेष चालकता ऊपर दे रखी है, छोड़ दीजिए इसको, ऊपर मैंने टिक लगवा दिया। यहां देखिए मुक्त ऊर्जा, मुक्त फ्री एनर्जी इज मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है, इस क्वेश्चन को रट लेना। उसके बाद में यहां देखिए दिख रहा है साहब साहब, चलो इस क्वेश्चन को देखो, लगाओ फटाफट टिक लगाओ, अपने बुक नोट्स या पेपर को ओपन करो और यहां लगाइए, जो है सक्रिय ऊर्जा, सक्रिय ऊर्जा, सक्रिय एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं इसको, सक्रिय ऊर्जा क्या होती है इसको देखिए, इसे हम ईए से प्रदर्शित करते हैं, ये हमारे सारे नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं आप, ये जो क्वेश्चन के जो शॉर्ट नोट्स हमने बना रखे हैं बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं आप सब लोग, ठीक है, नोट्स जरूर डाउनलोड कर लेना, कोई दिक्कत आ रही है वहां से आराम से पढ़ के बहुत अच्छे नंबर ला सकते हो। ये जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं ये आपके बुक नोट्स गैस पेपर में मिल रहे हैं ना, तो इनको ही पढ़ो, बाकी कुछ मत देखो, इनको हमारे नोट से पढ़ लेना तो भी अच्छा लगेगा बहुत ज्यादा। और हम फर्स्ट जो सेमेस्टर के आपके भाई बहन कोई भी हो, फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर जो भी आने वाले हैं, उनके हम क्वेश्चन बैंक अभी हम रिलीज कर देंगे, आप उनको पढ़ के अच्छे नंबर ला सकते हैं। यहां देखिए देखो ऑस्ट वाइल्ड का तनुता का नियम मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये मोस्ट पे लगा देना। यहां बोला गया पीएच मान क्या होता है, ठीक है, पीएच मान को पढ़ेंगे। और यहां बोला गया है गिब्स, देखो गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण को इसको पढ़ेंगे, और द्रव द्रव संगत जो कह सकते हैं द्रव द्रव संगत विभव है इसको पढ़ेंगे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इतना पढ़ के जाएंगे आप सभी लोग, ध्यान से देखिएगा। उसके बाद में आपको नीचे जाना है और नीचे आपको ये क्वेश्चन याद करना है, देखिए इसे कहते हैं विलयता गुणांक, और इसको बोलते हैं विफल बिलियन, विफल बिलियन और विलयता गुणांक के बारे में, त्रिक कह सकते हैं, त्रिक बिंदु क्या होता है आप इसको पढ़ेंगे, और सक्रण बिंदु और तापमान, सक्रण बिंदु और तापमान को आप याद करेंगे, ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है त्रिक बिंदु वगैरह ये। और देखो ये बॉर्न हैवर साइकिल मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको पढ़ लेना। उसके बाद जल का आयनिक गुणांक इसको छोड़ दीजिएगा, और ये प्रतिरोधी विलयन क्या होता है, प्रतिरोधी विलयन इसको छोड़ दीजिएगा। ये आप देख रहे हैं ना संलक्षण का नियम, संलक्षण का नियम मोस्ट इंपोर्टेंट है, संलक्षण का नियम पढ़ को जाओ। और बाकी देखो ये है खुला तंत्र और वृत्त, जिसे कहते हैं विवृत या फिर खुला तंत्र, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, हटाओ उसको, ओपन सिस्टम जिसे बोलते हैं, शॉर्ट में बन जाता है लेकिन आप पढ़ो तो उसको पढ़ लेना है, खुला से ओपन तंत्र एंड क्लोज तंत्र, ठीक है, क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, ये शॉर्ट वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, पढ़ो सको तो पढ़ लेना बाकी छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट दिल्ली के नियम सिद्धांत, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है लास्ट दिल्ली का सिद्धांत थ्योरी, एंट्रोपी को छोड़ दीजिएगा। देखो प्रवस्था नियम मैंने ऊपर बताए थे, प्रवस्था नियम मैंने बताया था, सीसा बंधक के ऊपर आधार पर एक क्वेश्चन बनेगा, प्रवस्था नियम वही बार बार रिपीट बनता है ये क्वेश्चन, इसलिए मैं दोबारा इंपोर्टेंट लगवा रहा हूं। ये देखिए ये क्या बोला गया, इसको देखिए ध्यान से, ये बोला गया है वाल्ट ऑफ, देखो वाल्ट हॉफ अभिक्रिया समतापीय समीकरण के बारे में, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, और गतिमान सीमा विधि क्या होती है आप इसको पढ़ेंगे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप इतने क्वेश्चन को पढ़ के 85% प्लस लाएंगे, मतलब कि 2022 में आप टॉपर करने वाले हो, समझ रहे हो ना, टॉपर बनोगे आप। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना है, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कर देना है, कोई भी दिक्कत है तो कॉमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हो। ओके तो ये आपके क्वेश्चन हुए आपके, उसके बाद में मैंने केमिस्ट्री के क्लियर करा दिया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों पेपर क्लियर हो गए,
अब आपके जियोलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री को भी देखेंगे, बाकी थर्ड ईयर वालों के लिए इंपोर्टेंट देंगे, बीए बीएससी वालों के लिए देंगे 2022 में आने वाले क्वेश्चन। चैनल को अभी सब्सक्राइब करके रख लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना है, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करना है। कोई दिक्कत है तो कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कॉमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, नोट्स को डाउनलोड करिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, और अभी तक आपने लाइक नहीं किया वीडियो को तो लाइक कर दीजिए। थैंक यू, जय हिंद।